हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे करें यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि आखिरकार किस तरीके से आप लोग अपनी मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप एक ट्यूटोरियल बेस्ड यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं या फिर एक गेमिंग का चैनल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करना जरूर आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से हम लोग अपनी मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर से आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डर लिख करके सर्च करना होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आप लोगों के सामने एक पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा स्क्रीन रिकॉर्डर एंड वीडियो रिकॉर्डर एक्स रिकॉर्डर नाम से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप प्ले स्टोर पर सिर्फ एक्स रिकॉर्डर लिख करके भी सर्च करते हैं तो आप लोगों को ये ऐप मिल जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को इस ऐप को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना है जिससे आप लोगों के मोबाइल के अंदर यह ऐप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल तो आएगा कि भाई अगर ये ऐप इतना ही अच्छा है तो आपने अपने फ़ोन के अंदर इसे इंस्टॉल क्यों नहीं किया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इसी ऐप का यूज़ करता हूं, लेकिन आप लोगों को इसकी प्रोसेस को समझाने के लिए कि आखिरकार किस तरीके से हम लोग इसे सेटअप करेंगे और किस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए मैंने इसे अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल किया था और इसके आगे की प्रोसेस मैं अब आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऐप जो है मेरे मोबाइल में डाउनलोड होकर के इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा ताकि ये ऐप ओपन हो जाए। अब दोस्तों जैसे ही आप इसे यहाँ से जो है वो ओपन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक परमिशन को अलाउ करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि जब तक आप इस परमिशन को अलाउ नहीं करेंगे तब तक ये आपकी फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो आप सबसे पहले इसे अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद में आप लोगों को परमिटिंग ड्राइंग और अदर ऐप्स को अलाउ करना होगा, फिर बैक कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपके सामने यहाँ पर कुछ जो है वो गाइडलाइन शो की जाएगी, तो आप इसे सिंपली जो है ओके कर दीजिएगा क्योंकि मैं आपको समझा ही रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर फिर से जो है वो कुछ परमिशंस को अलाउ करने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि आपकी स्टोरेज की परमिशन हो गई। अब दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ऐप मेरे सामने पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। अब आपको इस ऐप की सेटिंग में जाना है। दोस्तों अब अगर आप एक गेमर हैं और आप अपनी स्ट्रीमिंग के लिए या फिर वीडियोस को यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके अपलोड करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आप लोगों को जो है रिजोल्यूशन जो है वो 1080p यानी कि 1080p का सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्वालिटी से रिलेटेड यहाँ पर किसी भी तरीके में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। आप अगर यहाँ पर ऑटो रखेंगे तो ही बेस्ट रहेगा। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर FPS यानी कि फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन दिखाई देगा। इसका भी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर ऑटो ही रहने दीजिएगा, क्योंकि ये ऐप ऑटोमेटिकली आपकी फ्रेम रेट के अकॉर्डिंग इसे खुद को एडजस्ट कर लेगा। अब इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग एक गेमर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप एक गेमर है और अपने फ़ोन के सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ऑडियो को ही रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इसे मार्क कर दीजिएगा, जिसके बाद से आप लोगों की बाहर की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी और सिर्फ जो है वो सिर्फ फ़ोन के अंदर की आवाज़ ही रिकॉर्ड हो पाएगी। तो आप इसे जो है वो इनेबल कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अब आपको नीचे यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको कंट्रोल सेटिंग के कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। अब इसके बाद दोस्तों आप अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग को जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट कितने सेकंड के बाद हो, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने जैसे ही ऑन किया और आप चाहते हैं कि 3 सेकंड्स के बाद में वीडियो स्टार्ट हो तो आप 3S को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और अगर आप 5S को स्टार्ट करते हैं तो ऑन करने के 5 सेकंड के बाद में ही आपकी वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो पाएगी, तो आप इसे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है हाइड रिकॉर्ड विंडो ड्यूरिंग रिकॉर्ड। अब दोस्तों क्या होता है कि आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मुझे एक तरीके का आइकॉन दिखाई दे रहा है, जब कभी भी आप वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे तो आप लोगों की वीडियो में ये आइकॉन भी आएगा, लेकिन अगर आप इस आइकॉन को नहीं चाहते हैं तो आप लोगों को इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है ताकि जब कभी भी आप वीडियो को रिकॉर्ड करें तो ये आइकॉन आपकी वीडियो में ना दिखाई दे। इसके बाद दोस्तों अगर आप ऐसा चाहते हैं कि जैसे ही मैं अपने फ़ोन को शेक करूँ यानी कि हिला दूँ तो मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग होना ऑफ हो जाए, तो आप शेक फ़ोन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मेरा फ़ोन जो है वो स्लिप भी हो जाए यानी कि अगर स्क्रीन ऑफ भी हो जाए और उसके बाद में भी मेरे फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलती रहे, तो आप कीप रिकॉर्डिंग व्हेन स्क्रीन इज ऑफ के बटन को ऑन कर दीजिएगा, जिसके बाद से आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कंटिन्यू चलती जाएगी। इसी बीच अगर आप चाहते हैं कि आपके
रिकॉर्डिंग बटन के साथ में आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने का भी ऑप्शन मिले और आप चाहें कि कैमरा को भी ऑन कर पाऊं और आप चाहते कि वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त ही मैं ब्रशेस का यूज भी कर पाऊं तो आप इन्हें यहां से मार्क कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर किसी भी तरीके की सेटिंग देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप एक यूट्यूबर है ट्यूटोरियल वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें आप लोगों की खुद की वॉइस जाना भी जरूरी होती है। अब जब आप इसे रिकॉर्ड करके देखेंगे तो अभी आप लोगों की वॉइस जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी क्योंकि आप लोगों ने अभी उस सेटिंग को ऑन नहीं किया है। यहाँ पर आप लोगों को इस सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए आप क्या कीजिएगा, ऊपर से नोटिफिकेशन बार को जो है वो शटर को डाउन कीजिएगा। शटर को डाउन करने पर दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको टूल्स के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है कंट्रोल सेटिंग में माइक्रोफोन के नाम से ऑप्शन दिखाई देगा, आप इसे इनेबल कर दीजिएगा। इसे इनेबल करने के बाद से ही दोस्तों आप जो कुछ भी बोलेंगे वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में आपकी वॉइस साथ में रिकॉर्ड होगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग बड़ी ही आसानी से अपने मोबाइल के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उसको सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेगा। दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले एक स्टार्ट बटन दिखाई देगा जो कि रेड कलर में होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद से आप लोगों के सामने वो टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी जो कि आप लोगों ने काउंट डाउन सेट किया था। अगर आप लोगों ने 3 सेकंड का काउंट डाउन सेट किया था तो 3, 2, 1 के काउंट डाउन में आपकी वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसके बाद से आप जो कुछ भी एक्टिविटी करेंगे वो सब कुछ आपके इस स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप के अंदर रिकॉर्ड होता जाएगा। और बाद में अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए आपको सिंपली यहाँ से जो है वो स्टॉप कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ऊपर से स्क्रॉल डाउन करके भी यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी वीडियो को स्टॉप नहीं करना चाहते बल्कि बीच में पुश करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐसा कर सकते हैं और इसे करने के बाद वापस यहाँ से रिज्यूम भी कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आपकी वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद में अगर आप उसे स्टॉप करते हैं तो आपकी वीडियो इस लिस्ट में यहाँ पर ऐड हो जाएगी जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब आप उस वीडियो को क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं और चाहे तो शेयर बटन पर क्लिक करके दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी वीडियो रिकॉर्डिंग को जो है वो डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से डिलीट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिसके बाद से वो वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ओके गाइस, दिस इज कैसे करें यूट्यूब चैनल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।